हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर आपका, मैं विजय। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है। दोस्तों काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, नए नए यूट्यूबर बने हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन उनके वीडियो पर लाइक्स और व्यूज़ नहीं आते हैं, कॉमेंट नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं, तो फ्रेंड्स वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। दोस्तों इसलिए आज का वीडियो ही मैं बना करके लाया हूँ। आज के वीडियो में आपको बताऊँगा आप अपने YouTube पर अपना वीडियो या मोबाइल से अपलोड करते हैं आप या कंप्यूटर से करते हैं, दोनों तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको अपने YouTube वीडियो, अपना वीडियो YouTube पर डाउनलोड करना है, उसका मैं सही तरीका बताऊंगा। दोस्तों किस तरीके से उसमें टाइटल देना है। दोस्तों कुछ फ्रेंड्स क्या करते हैं, कुछ नए यूट्यूबर हैं, कि जब उसका टाइटल देते हैं तो उसमें जो फर्स्ट अक्षर जो उसका होता है वो नॉर्मल कर देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी उसका फर्स्ट अक्षर है उसको आप कैपिटल रखिए। और किस तरीके से डिस्क्रिप्शन देना है फ्रेंड्स, जितना अच्छा आपका डिस्क्रिप्शन होगा उतना आपका चैनल ग्रो करेगा, आपका वीडियो उतना ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो फ्रेंड्स जितना अच्छा आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिखना है इस वीडियो में आपको बताऊँगा, जिस तरीके से आपका वीडियो है, किस चीज़ से रिलेटेड आपका वीडियो, उसी चीज़ से रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। और डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है कि आपने वीडियो में क्या बताया है, वीडियो का पूरा प्रीव्यू आपको लिख करके बताना है उसमें किस तरीके से किया है, और नीचे आपको लिख देना है थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और आपके चैनल का नाम लिख देना है। इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, और किस तरीके से आपको टैग्स लगाना है, जो आपका वीडियो है वीडियो से रिलेटेड आपको उसमें टैग्स लगाना है, क्योंकि टैग जो आप लगाएंगे उसी से आपका चैनल सर्च लिस्ट में आएगा फ्रेंड्स। जिस तरीके का आपका वीडियो उसी तरीके का आपको टैग लगाना है, और टैग आपको कहाँ से लेना है, किस तरीके से टैग लिखना है, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको टैग की दूंगा, किस तरीके से उसको पब्लिश किया जाता है और किस तरीके से उसे बनाना है, किस तरीके से अपलोड करना है, उसका सही तरीका फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ में, और देखिए किस तरीके से एक सही तरीके से आप YouTube पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो पर, और देखते हैं किस तरीके से YouTube पर सही तरीके से वीडियो अपलोड किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है, सिंपली यहाँ हम यूट्यूब स्टूडियो ऑन कर लेंगे, ओपन करना है इसे। आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, मोबाइल में क्रोम में जाकर के थ्री डॉट पे जाकर यूट्यूब स्टूडियो आप ऑन कर सकते हैं। इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, ये देख लीजिए, यहाँ आपको सब सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये देख लीजिए क्रिएट लिखा है, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं अपना वीडियो। हम यहाँ क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करनी है हमें, जहाँ पर भी आपने अपना वीडियो रखा वहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेना आपको वीडियो को। मेरा वीडियो यहाँ पर मैंने रखा है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सिलेक्ट करके हमें सिंपली ओपन कर देना है। ओपन करेंगे देख लीजिए फाइल लोड होने लगी है। यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर दिखा रहा है प्रोसेसिंग अपलोडिंग फाइल। ये इसमें काफ़ी समय लगेगा फ्रेंड्स, जितनी बड़ी आपकी फ़ाइल होती है उतना ज़्यादा समय लगता है। तब तक हम काफ़ी सारे दूसरे काम कर सकते हैं, यहाँ अपने वीडियो का टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तब तक फाइल लोड हो जाएगी। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका समय बचेगा। तो जब तक वीडियो अपलोड होता है हम यहाँ पर इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले टाइटल कॉपी कर देना, डिस्क्रिप्शन में आपको वही लिखना है जो वीडियो से रिलेटेड हो, बिना मतलब का लिख करके आप कंफ्यूजन ना बढ़ाएं व्यूअर्स का, बस आपको उसी से रिलेटेड लिखना है। यहाँ हम थंबनेल डाल देंगे, जहाँ पर भी आपने इस वीडियो का थंबनेल बना करके रखा है फ्रेंड्स, थंबनेल वही होना चाहिए जो वीडियो से रिलेटेड हो। या हम डिस्क्रिप्शन में नीचे सबसे नीचे लिख देंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, और उसके नीचे आप लिख देंगे अपने चैनल का नाम। मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि टेक्निकल अंशु मेरे चैनल का नाम है, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर हम थंबनेल पर सिंपली क्लिक करेंगे, हमने अपना थंबनेल जहाँ पर भी रखा है वहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये थंबनेल देख लीजिए आ गया, इस तरीके से यहाँ दिखा रहा है आपका थंबनेल है, यही शो करेगा। फिर हम नीचे आ जाएंगे प्लेलिस्ट पर, अगर प्लेलिस्ट आप बनाना चाहते तो बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो हमें फ़िलहाल नहीं बनानी है, हम इसे कैंसिल कर देंगे।
ये देख लीजिए, ये क्या आपका वीडियो बच्चों के लिए है, तो यस देना है, नहीं है तो नहीं। तो हम यहाँ नो पर क्लिक कर देंगे, हमारा वीडियो बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ बच्चों को ही दिखाया जाएगा। ये देख लीजिए, 18 साल से ऊपर के लिए आपका वीडियो है या बच्चे भी देख सकते हैं। इसे भी हम सिंपली नो रहने देंगे। पेड प्रमोशन पर आएंगे, अगर आप अपने वीडियो पर पेड प्रमोशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ आप टिक करेंगे तो आप गूगल एड्स के जरिए आपके वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। ये फ्रेंड सबसे अहम ऑप्शन है टैग्स का, इसी से आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आएगा। तो यहाँ सबसे पहले हमें जो टाइटल है वीडियो का वही ले लेना है, इसे हम ला करके टैग पर क्लिक कर देंगे और वीडियो से रिलेटेड जो भी टैग्स हैं वो आप यहाँ पर लगा देंगे। और इसमें आपको अपने चैनल का नाम भी डाल देना है, क्योंकि काफ़ी लोग चैनल का नाम कर लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका वीडियो उससे रिलेटेड ही टैग्ड होना चाहिए यहाँ पर टैग फ्रेंड्स, उसी से आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आएगा। तो टैग हमें बहुत सोच समझ करके लगाना है। यहाँ से आप कॉपी भी कर सकते हैं लिख करके, जिस रिलेटेड आपका वीडियो है वह आप यहाँ पर लिखेंगे, वहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं और टैग लगा सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमें कुछ 500 वर्ड्स दिए जाते हैं टैग के लिए, उनका हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने वीडियो पर टैग लगाने हैं, क्योंकि ये टैग ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका वीडियो सर्च लिस्ट में आएगा फ्रेंड्स। इसका आपको बहुत खास ध्यान रखना है। देख लीजिए जिस तरीके से मैंने टैग लगाया है आपके सामने, इसी तरीके से जो भी आपका वीडियो है, मेरा वीडियो है गूगल एड्स नॉट रनिंग, तो मैंने उसके रिलेटेड ही सारे टैग लगाए हैं। तो इन सब टैग में से कोई भी एक टैग अगर कोई सर्च करता है तो हमारा वीडियो उसके सामने शो हो जाएगा और वहाँ से हमारे वीडियो पर आकर के उसे वॉच कर सकता है फ्रेंड्स। तो इसलिए टैग का इस्तेमाल आपको बहुत सोच समझ के करना है और बहुत सही ढंग से आपको टैग लगाने हैं। देख लीजिए मैं यहाँ लगा देता हूँ, देख लीजिए अभी यहाँ फिनिश हो गया हमारा अपलोड, वीडियो पूरा हो गया, अब फिनिश प्रोसेस पर चल रहा है। जब तक हम अपनी सारी जानकारियाँ यहाँ पर चेक कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब चेक कर लेंगे, लैंग्वेज आप देना चाहें तो दे सकते हैं, ये सब टाइटल आप देना चाहें तो दे सकते हैं यहाँ पर, डेट और टाइम अपने वीडियो की अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे छोड़ देंगे। ये आप यहाँ अपना लोकेशन दे देंगे, ये देख लीजिए स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, अगर ये आप स्टैंडर्ड ही हम इसे रहने देंगे वही सही रहता है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है लाइक और अनलाइक, पब्लिश और सब्सक्राइब, हम पब्लिश करना चाहते हैं कि नहीं उसका ऑप्शन है। यहाँ पर हम कैटेगरी चूज़ कर लेंगे, हमारा वीडियो किस कैटेगरी का है, साइंस और टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ चूज़ कर लिया है। ये शो व्यूअर्स और लाइक अनलाइक का ऑप्शन जो अगर आप दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं तो उसके टिक रहने देंगे, वरना इसे हम अनटिक कर देंगे। तो मैं इसे यहाँ टिक रहने दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक और अनलाइक मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा URL है वीडियो का, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देख लीजिए यहाँ से आप अपने वीडियो पर एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। एंड स्क्रीन फ्रेंड्स आपको पता होगा, जब वीडियो ख़त्म होने वाला होता है तब 10 या 15 सेकंड कुछ बचते हैं तो आपका नेक्स्ट वीडियो वहाँ पर शो होने लगता है आपके चैनल के लोगों के साथ। तो आप यहाँ से एंड स्क्रीन लगा सकते हैं, मैं देख लीजिए आपको लगा के बता देता हूँ। यहाँ से हम कोई भी एक एंड स्क्रीन चूज़ कर लेंगे और मैं आपको यहाँ से लगा के बताऊँगा किस तरीके से एंड स्क्रीन लगाई जाती है। यहाँ वीडियो पर क्लिक कर लेंगे, ये देख लीजिए एंड स्क्रीन आ गई है। यहाँ पर आप एंड स्क्रीन में किस तरीके का जो सबसे ज़्यादा व्यू है वीडियो में वो लगाना चाहते हैं या फिर अपने मर्जी का, तो हम अपनी मर्जी का लगाएंगे। तीसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं ये वीडियो लगाना चाहता हूँ, देख लीजिए यहाँ आ गया है। सिंपली हम यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए फ्रेंड्स हमारा वीडियो लग गया है। इसी तरीके से एंड कार्ड भी आप लगा सकते हैं। एंड कार्ड्स होता है दोस्तों जो आई बटन आता है ऊपर अपने वीडियो पर, उसे यहाँ से लगाना है, देख लीजिए इस तरीके से। ये देख लीजिए सजेशन, यहाँ पर भी आप अपना नेक्स्ट वीडियो या अपना चैनल का नाम या कुछ भी डाल सकते हैं। आप अपने चैनल पर भी ले जा सकते हैं देखने वालों को डायरेक्ट, या नेक्स्ट वीडियो पर भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आई बटन को आप ऐड कर सकते हैं, देख लीजिए ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर हमारी फिनिश हो भी गई है अपलोडिंग, हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देख लीजिए लास्ट पेज है इसका, सेव और पब्लिश, या प्राइवेट भी रख सकते हैं, अनलिस्टेड भी रख सकते हैं, पब्लिक भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ सिंपल इसे पब्लिक पर क्लिक कर देंगे, आप इसे अनलिस्टेड भी कर सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। प्राइवेट भी आप करेंगे तो सिर्फ आप ही देख पाएंगे और कोई नहीं देख पाएगा। तो हम इसे पब्लिक करेंगे, यहाँ सिंपली फिनिश पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे आप फिनिश पर क्लिक करेंगे आपका वीडियो पब्लिश हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए आपका वीडियो पब्लिश हो चुका है और आप इसे शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर, ईमेल पर, ट्विटर पर। इसे सिंपली यूआर को कॉपी कर लेंगे, जहाँ पर भी आप इसे शेयर करना चाहते हैं आप इसे शेयर कर सकते हैं। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे वहाँ आपका वीडियो शेयर हो जाएगा, तो सिंपली हम इसे क्लोज कर देंगे, हमें शेयर नहीं करना। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से आप भी एक सही तरीके से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपके
यूट्यूब स्टूडियो पर आपका दिखा देगा, रिफ्रेश चैनल करने के बाद देख लीजिए। अभी अभी हमने ये गूगल एड नॉट रनिंग ये अभी अभी हमने अपलोड किया है, देख लीजिए सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिखा रहा है। जितने भी इसके व्यूज़ मिलेंगे, जितने इंप्रेशंस आएंगे, सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको दिखा देगा। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो गो टू वीडियो एनालिसिस पर आप क्लिक करेंगे, ये देख लीजिए यहाँ पर अभी अभी हमने किया है तो ये व्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं है इस पर, ये दिखा रहा है। किसी भी टाइम आपको अपने वीडियो पर चेंजेस करना है तो डिटेल्स पर जाएंगे, ये देख लीजिए यहाँ से आप अपना वीडियो का टाइटल चेंज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ऐड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड कर सकते हैं, या कुछ गलती से कुछ गलत लिख गया तो उसको आप चेंजेस कर सकते हैं। थंबनेल आपको बदलना है तो आप थंबनेल बदल सकते हैं, एंड स्क्रीन आप चेंज कर सकते हैं, आई कार्ड को चेंज कर सकते हैं, ये पब्लिक इसे किसी वक्त आप प्राइवेट कर सकते हैं, अनलिस्टेड कर सकते हैं। वीडियो में कुछ गलत दिखा दिया गया तो आप इसे प्राइवेट कर लेंगे, उसे चेंजेस करेंगे, उसके बाद आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। ये सारे काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें चेंजेस आप बाद में भी फ्रेंड्स कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार आपने इसे बना दिया, सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख दिया था, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। किसी भी वक्त फ्रेंड्स अपने यूट्यूब स्टूडियो में आकर के आप इसमें अपने मर्जी के मुताबिक इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अपना टाइटल चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, सब कुछ आप यहाँ से चेंजेस कर पाएंगे फ्रेंड्स। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने हमारे चैनल को तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख सकते हैं आप इस वीडियो में किस तरीके से एक सही तरीका मैंने आपको बताया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने का। फ्रेंड्स ये देख लीजिए, एडिटर पर आकर के आप एडिट भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से एंड स्क्रीन को आप किसी भी वक्त चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको करके बता देता हूँ, ये देख लीजिए इसको हम डिलीट कर देंगे, अभी हम दूसरे एंड स्क्रीन लगाएंगे, वीडियो पर आ जाएंगे, एलिमेंट पर क्लिक करके यहाँ से हम ये देख लीजिए नीचे अपनी मर्जी का वीडियो लगा सकते हैं। यहाँ पर अपने क्लिक करके मान लीजिए मुझे वीडियो लगाना है, मैं ये ले आया हूँ, देख लीजिए अब कितने सेकंड आपको लगाना है, यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे, लास्ट के 10 सेकंड लगाना है, क्लिक कर देंगे, फिर सेव पर चले जाएंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे ये देख लीजिए आपकी एंड स्क्रीन चेंज हो गई है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आपको आई कार्ड भी अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, देख लीजिए मेरे में भी लगा हुआ है, ये मैंने लगाया हुआ है, इसे आपको चेंज करना है तो भी आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे नहीं करेंगे तो मैं इसे डिस्कार्ड कर दूँगा। ये एडिटर का ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ एडिटर पर आकर के अगर कोई साउंड आ गया है इसमें कॉपीराइट का, या कोई चीज़ है जो आपको ब्लर करनी है, जो नहीं दिखानी चाहिए वो इसमें दिखाई जा रही, तो आप यहाँ से ब्लर भी कर सकते हैं। किसी वक्त आप इसे एडिट करके उस चीज़ को ब्लर करके उस साउंड को हटा के उतना वीडियो एडिट करके उसके बाद में आप यहाँ सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सेव हो जाएगा। और जो पार्ट आप नहीं दिखाना चाहते थे, जो साउंड आप नहीं बताना चाहते थे, वो यहाँ से सिंपली आपका इरेज हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरीके से आप अपने वीडियो में चेंजेस भी कर सकते हैं। वो सारे चेंजेस है फ्रेंड्स जो आप वीडियो को अपलोड करने के बाद भी कर सकते हैं। काफ़ी हमारे नए यूट्यूबर हैं, वो एक बार यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देते हैं तो सोच में पड़ जाते हैं अब इसमें कुछ चेंजेस करना था तो हम कर सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप भी ये काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप समझ गए होंगे किस तरीके से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया जाता है। सो दोस्तों थैंक यू, बाय।